हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जी टी ट्वेंटी में स्वागत है। आज का वीडियो है भूगोल का टॉप 25 एमसीक्यू है ये सारा, और ये सारा भारत की जो नदियां हैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? ये जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी में है यमुना नदी, और यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्या सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? देखिए, विंध्या और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली जो नदी है ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है ये अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलती है और ये एमपी में जगह है, मध्य प्रदेश में जगह है ये अमरकंटक, और यहाँ से निकलकर ये खंपात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात के पास जाके। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिए कि ये सतपुरा पूछा जाता है कि नर्मदा रिवर के किस साइड में सतपुरा रेंज है और किस साइड में विंध्या रेंज है। तो मान लीजिए ये नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है और इस साइड जो है नॉर्थ के साइड में विंध्या रेंज है और साउथ के साइड में सतपुरा रेंज है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो साउथ के साइड में जो है सतपुरा रेंज है और नॉर्थ के साइड में विंध्या रेंज है, बीच में ये फ्लो होती है नर्मदा रिवर। ये वेस्टर्न फ्लो रिवर है, ये भी याद रखिए। पश्चिम की ओर मुड़ और जाके खंपात की खाड़ी में गिरती है, मतलब अरबियन सी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन समुद्र में नहीं बहती है? तो ये रिवर है बानस रिवर। ऑप्शन नंबर सी में है बानस रिवर। देखिए, गंगा तो समुद्र में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, नर्मदा तो मैंने अभी बताया कि खंपात की खाड़ी में गिरती है, मतलब अरबियन सी में गिर जाती है। गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो यहाँ बानस रिवर जो है ये समुद्र में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? देखिए, यहाँ पे कौन सी नदी है जिसका उद्गम नेपाल में है? तो चेनाब, झेलम, रावी, ये सब का उद्गम तो नेपाल में नहीं है, लेकिन कोसी का उद्गम नेपाल में है। और कोसी नदी ये बिहार में आती है और बिहार में आके ये गंगा से मिलके फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कोसी रिवर इसका सही आंसर होगा। अगला आंसर है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो ये है हुगली नदी, और ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा रिवर। मैं अभी अभी बता चुका हूँ कि नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो लोग इंग्लिश में पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे उसके लिए ईबुक एक इंग्लिश में आ चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी वाले भी उसको देख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल वन वर्ड में वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश में सब, और उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ डाउनलोड करने के टाइम आपको वहाँ पे एक ईमेल आईडी चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए और अपना नाम लिखिएगा। जैसे ही आप उसको परचेज करना होगा, परचेज करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी आप यहाँ पे दीजिएगा उस ईमेल आईडी पे एक लिंक चला जाएगा, और वहाँ से आप आसानी से उस ईबुक को डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि सीबीटी 2 और ग्रुप टी के लिए इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन उसमें कवर किया गया है। लगभग 1400 एमसी वन लाइनर क्वेश्चन है, और उसमें करेंट अफेयर्स नहीं कवर किया गया, सिर्फ स्टैटिक पार्ट कवर किया गया है। करेंट अफेयर का एग्जाम से कुछ 8 दिन पहले करेंट अफेयर का पीडीएफ मैं ऑलरेडी चैनल पे दे दूंगा, तो उसमें सारा स्टैटिक पार्ट कवर किया गया है। अगला देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा जो है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन और, मतलब इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है क्वेश्चन में ये भी था। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा को जो संयुक्त जलधारा है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है ये बांग्लादेश में जाके दोनों आपस में मिलती है। गंगा
वेस्ट बंगाल से एंटर करती है, ब्रह्मपुत्रा जो है उधर आसाम मेघालय के पास से एंटर करती है बांग्लादेश में। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा का नाम क्या है, तो गंगा का जो नाम होता है वो पद्मा होता है, यहाँ ऑप्शन वन में है, गंगा का पद्मा नाम होता है। और जमुना जो है ये ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोला जाता है, सिर्फ ब्रह्मपुत्रा का मैं बात कर रहा हूँ। अब जब ये दोनों नदी मिल जाती है आपस में तब उस नदी का नाम मेघना हो जाता है। ये तीनों आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी ये दोनों के बारे में भी पूछा गया है। गंगा को पद्मा बोलते हैं, सिर्फ गंगा को, और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और दोनों मिल जाने के बाद उसे मेघना बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया था, सांगपो, सांगपो जो है ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है और इसे तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी रिवर को, ये सबसे लंबी रिवर है दक्षिण भारत की, और यही एक रिवर है जिसमें पूरा साल मतलब पानी नहीं कमता है, पूरा साल पानी इसमें फ्लो होता है, इसे गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, तो मैं तो बता चुका हूँ कि अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है, लेकिन नर्मदा के अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिवर है सोन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा और सोन, ये दोनों रिवर अमरकंटक के पठार से निकलती है और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती है। एक ये तो वेस्ट की साइड में फ्लो होती है, ये ईस्ट के साइड में फ्लो होते लास्ट में ये गंगा में भी मिलती है सोन रिवर, याद रखिएगा नर्मदा एंड सोन। नर्मदा के बारे में तो पता रहता है लेकिन सोन के बारे में पता नहीं रहता कि ये भी अमरकंटक से निकलती है, और 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था रेलवे का उसमें पूछ दिया था कि सोन रिवर का उद्गम स्थल कहाँ से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा ताप्ती रिवर, ये डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि महानदी गोदावरी गंगा ये तीनों डेल्टा बनाती है, और इनफैक्ट गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये क्वेश्चन भी याद रखिए, जो बांग्लादेश और इंडिया में फैला हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा याद करना चाहिए कि जैसे देखिये जो भी ईस्टर्न फ्लो रिवर है मतलब जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है रिवर, वो सारा रिवर जो है वो लगभग डेल्टा बनाती है, क्योंकि इधर का जो मिट्टी है वो बहुत ही मतलब नरम मिट्टी है जिसके कारण नदी क्या होता है पूरा मिट्टी के ऊपर फैल जाती है और वहाँ पे डेल्टा बनता है। लेकिन जो वेस्टर्न फ्लो रिवर है मतलब जो अरबियन सी में रिवर गिरती है वो ज़्यादातर रिवर जो है एस्चुरी बनाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा में फ़र्क यही होता है कि एस्चुरी जो बनता है वो ऐसे जगह पे बनता है जहाँ की मिट्टी हार्ड हो, पठार हो या फिर पहाड़ हो, वहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट रिवर ज्वाइन हो जाता है सी में, वहाँ पे एस्चुरी बनता है। तो आप लोग याद रखिए जो भी वेस्टर्न फ्लो रिवर है वो ज़्यादातर रिवर, मैं हर एक रिवर का बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये आप ध्यान में रखिएगा वो एस्चुरी बनाती है, और ईस्ट फ्लो रिवर जो है तो वो डेल्टा बनाती है। अगला है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी रिवर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार का शोक कहा गया है? देखो सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक किस रिवर को कहा गया है? ये कहा गया है कोसी रिवर को, क्योंकि कोसी से हर एक साल बिहार में बाढ़ आता है जिसके कारण करोड़ों का नुकसान हो जाता है बहुत सारा, तो इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, पूछा जाता है बंगाल का शोक किस रिवर को बोला जाता है? तो बंगाल का शोक जो है ये दामोदर रिवर को बोला जाता है। दामोदर रिवर के बारे में पूछा गया है कि दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है, ये छोटा नागपुर के प्लेट्यू से झारखंड से निकलती है और बंगाल में फ्लो होती है, झारखंड और बंगाल में फ्लो होती है। तो याद रखिएगा कि यदि बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी रिवर है, और बंगाल का शोक पूछा जाए तो वो दामोदर रिवर है। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? देखिए क्वेश्चन आया है, तो गंगा जो है
गंगा के सहायक नदी को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है। देखिए यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु गंगा से दोनों का लेंथ ज्यादा लंबा है, लेकिन गंगा जो है ये पूरा 100% जो है लगभग जो इंडिया में फ्लो होता है इसका लेंथ ज्यादा है। ये लगभग 2600 किलोमीटर के आसपास जो है ये इंडिया में फ्लो होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का लेंथ तो ज्यादा है, सिंधु का भी लेंथ ज्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ज्यादातर तिब्बत में फ्लो होता है और सिंधु पाकिस्तान में फ्लो होता है। तो इस हिसाब से गंगा जो है इंडिया की सबसे, भारत की सबसे लंबी रिवर कहा जाता है। तो आप इसको ही टिक कीजिएगा जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। अगला है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो ये है हिमालय से परे की नदी जो है ये है सतलज रिवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से दो रिवर निकलती है, एक सिंधु रिवर है एक ब्रह्मपुत्र रिवर है। दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है क्योंकि सिंधु रिवर इधर फ्लो हो जाती है वेस्ट के साइड में फ्लो होते के साथ इंडिया और पाकिस्तान के, और ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्ट के साइड फ्लो होते के साथ तिब्बत से होके इंडिया में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, लेकिन मानसरोवर से दो बड़ी नदी निकलती है। अगला है, निम्नलिखित, यहाँ पे भगवान नहीं होगा, प्रिंट गलती है, निम्नलिखित नदी कौन से, निम्नलिखित नदियों में से जो एक बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है, मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली जो नदी है ये नर्मदा है। नर्मदा के पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में अलग अलग टाइप से, आप लोग याद रखें। रिफ्ट वैली क्या होता है, दो माउंटेन जो होता है पूरा, दो माउंटेन पीक मान लीजिए, ये एक पीक है और ये एक पीक है, और इसके बीच के जो वैली होता है इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, और इसी के बीच से नर्मदा रिवर फ्लो होती है। आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, एक साइड जो रेंज है ये सतपुड़ा रेंज है, एक साइड विंध्या रेंज है, दोनों के बीच से ये फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका भी आंसर नर्मदा रिवर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था, हालांकि मैं वो टॉपिक कवर करूंगा आने वाले वीडियो में, कि जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो नर्मदा रिवर के किनारे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं देखिए जबलपुर दे दिया है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सा है जो जबलपुर के निकट है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ये नर्मदा रिवर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा से देव प्रयाग में मिलती है। ये प्रयाग वाले पे भी कुछ क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये देव प्रयाग में तो भागीरथी एंड अलकनंदा जो है गंगा से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा के जो ज्वाइंट है उसको क्या बोलते हैं? तो देव प्रयाग बोलते हैं। कर्ण प्रयाग जो है, कर्ण प्रयाग क्या है? तो ये है अलकनंदा एंड पिंडार। अलकनंदा एंड पिंडार जो रिवर है इसके ज्वाइन को कर्ण प्रयाग बोला जाता है, और रुद्र प्रयाग जो है ये अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर के ज्वाइन को रुद्र प्रयाग बोला जाता है। तो आप तीनों यहाँ से याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में आपको ये दोनों भी मिल सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ये है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर नेपाल से निकलती है, नेपाल के ऊपर से, और ये इंडिया में आती है। तो बाकी गोदावरी, झेलम, रावी ये तो भारत में ही उद्गम होता है। अगला है, मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? ये है कृष्णा रिवर की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर सी में है कृष्णा रिवर, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये है हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन सा नदी? तो गोदावरी। देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा ये सब तो हिमालय से ही लगभग निकलती है, तो गोदावरी तो ये साउथ की रिवर है, गोदावरी रिवर ये नहीं निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? देखिए पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर के निकट
जो एक शहर बसा हुआ ये है राउरकेला शहर। आप लोग याद रखें ब्राह्मणी रिवर जो है ये दो रिवर से मिलके बना है, जो राउरकेला में आके दोनों मिलता है। पहला तो रिवर है एक साउथ कोयल रिवर, साउथ कोयल दक्षिण कोयल रिवर जो है, और एक शंखा रिवर। ये दोनों रिवर राउरकेला में मिलके वो ब्राह्मणी रिवर के नाम से जाना जाता है। ये बाद में बंगाल में जाके गिर जाती है। और लेकिन साबरमती, शरावती और माही ये तीनों वेस्टर्न फ्लो रिवर है, मतलब ये पश्चिम की ओर फ्लो होती है। ये भी याद रखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सी रिवर ईस्ट फ्लो होती है, कौन सी रिवर वेस्ट फ्लो होती है, तो यहाँ तीनों रिवर जो है नीचे का ये वेस्ट फ्लो रिवर है। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, ये है यमुना रिवर का दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर सी में है यमुना। अगला है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, तो ये है चंबल रिवर, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंबल रिवर। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और हिंदी में आप बहुत सारा वीडियो बहुत अलग अलग टॉपिक पे देख सकते हैं, आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिए। जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मौर्यन पीरियड हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इसके अलावा मुगल काल हो गया, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ऑलरेडी हिंदी में वीडियो बना हुआ है। कुछ कुछ वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप उसको भी जाके देखिए। खासकर साइंस वाला वीडियो मैं दोनों लैंग्वेज में लाया हूँ, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ हिंदी में भी इंग्लिश में लिख दिया जाता है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी इंग्लिश का भी, आप वहाँ से जाके बाकी का वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।